नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में असीमित धन पाना चाहता है। वह जितना भी धन चाहता है, यदि उसे मिल जाए तो उसके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं होगा, कोई संकट ही नहीं होगा। और इतना ही धन प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हर कोई व्यक्ति दिन रात कड़ी मेहनत भी करता है, लेकिन विघ्न बाधाएं हैं जो कि हर दोस्तों, काफी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही शक्तिशाली व चमत्कारी होती हैं, जिन्हें शास्त्रों में भी खास बताया गया है। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में भी बताया गया है, जिनका परिणाम शीघ्र देखने को मिलता है और जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय, टोटका या प्रयोग हम बताएंगे, यह आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। धन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। काफी लोगों की ये समस्या रहती है कि जो भी मनोकामना वे सोचते हैं वे पूरी हो ही नहीं पाती है, बल्कि धन की जो समस्याएं उनके जीवन में होती है वे दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बड़ी होती जाती है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि जैसे व्यक्ति के पास जब माता लक्ष्मी का साथ नहीं होता है तो व्यक्ति धन की जुड़ी समस्याओं से ग्रसित होता ही जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे, जिसे आप कर लेते हैं तो आपकी धन की जुड़ी सभी समस्याओं का अंत स्वतः ही हो जाता है। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का नाम पूरे सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से लिखें। साथ ही बजरंग बली की कृपा प्राप्त करने के लिए जय बजरंग बली अवश्य लिखें। किसी व्यक्ति के कामों में हर दिन उसके सामने आ जाती हैं। यदि आपके जीवन में आपके सामने विघ्न बाधाएं वे रुकावटें ना आए तो आपको अपने जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पा सकता। कोई भी आपकी मनोकामनाओं को पूरा होने से नहीं रोक सकता है। इस सृष्टि में अगर आपकी विघ्न बाधाओं को यदि कोई दूर कर सकता है तो वह है साक्षात गौरी नंदन गणेश। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि श्री गणेश भगवान के ध्यान मात्र से ही व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं व परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य करने से पहले ना सिर्फ गौरी नंदन गणेश जी की पूजा की जाती है, वह उनका ध्यान करके उन्हें भोग आदि भी लगाया जाता है। यदि आमतौर पर व्यक्ति विशेष पूजा अर्चना नहीं कर सकता है तो उनके केवल मंत्र जाप से ही व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए आपको ना सिर्फ बुधवार के दिन, सभी दिनों में सुबह उठते ही या फिर जब भी समय मिले तब आपको भगवान श्री गणेश के मूल मंत्र ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 5 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। इस मंत्र के जाप से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। मान्यता है कि गणेश जी के ध्यान मात्र से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। इसी कारण से तो किसी भी शुभ मांगलिक कार्य को आरंभ करने से पहले भगवान श्री गणपति जी का ना सिर्फ आह्वान किया जाता है, बल्कि इनकी विशेष पूजा अर्चना करके इनके मन पसंद फलों का भोग भी लगाया जाता है। श्री गणेश संहिता के अनुसार मंगल मूर्ति गणेश सभी देवी देवताओं में अपनी कुशाग्र बुद्धि व विवेक के कारण सबसे पहले पूजे जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार को किए जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप गणेश जी से जुड़े हुए उपाय सिर्फ बुधवार को ही करें, क्योंकि हर दिन भगवान गणेश का है, हर वक्त भगवान गणेश का है। जब भी आपको बुद्धि, विवेक व धन कमाने की अपनी उमंग को पूरा करना हो तो आप भगवान गणेश को याद कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बताए गए उपायों को अगर आप भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए करना चाहते हैं तो आप इन्हें किसी भी समय और किसी भी दिन, किसी भी शुभ मुहूर्त पर, खासकर से विशेष संयोग के दिन अगर आप करते हैं तो आपको इनका लाभ कई गुना होकर के मिलता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी के कई नाम हैं। अगर आप इन नामों का भी जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गणेश जी के उन 12 नामों के बारे में जिनका आपको रोज स्मरण करना चाहिए। यदि हर कोई व्यक्ति इनका स्मरण हर रोज करता है तो उसके जीवन से सभी पाप और संकट दूर होते हैं। यदि आप इन नामों का स्मरण या फिर इन नामों का जाप नहीं कर सकते हैं
तो केवल सुनने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द आदि दूर हो जाते हैं। सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलकर के आपके जीवन के सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की राह प्रशस्त हो जाती है। भगवान गणेश जी के 12 नाम हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, कजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। नारद पुराण में वर्जित श्री गणेश जी के इन 12 नाम को बुधवार के दिन या फिर जिस भी दिन आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं या फिर अपनी विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, उस दिन सुबह शाम 108 बार यदि जाप कर ले तो सबसे उत्तम है, अन्यथा 108 बार इसे अगर आप सुन लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाले सभी विघ्नों का नाश खुद ब खुद हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान श्री गणेश जी के इन 12 नामों का ध्यान करने से भगवान गौरी नंदन गणेश अपने सभी भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप गणपति जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने जीवन में मनवांछित वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने घर के पूजा करते समय विधि विधान से गणेश पूजा करें और उनके 12 नामों का 108 बार जाप करें, अन्यथा आप इन नामों को एक बार अवश्य सुन लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय गणपति जी एक बार अवश्य लिख दें। ऐसा करने से आपको अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी व आपके सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में ज्यादा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय गणपति बप्पा, जय बजरंगबली।